नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्सटेक्स क्लासेस पर। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम बाल विकास को चैप्टर बेसिस पर कवर कर रहे हैं, तो आज हम बाल विकास में एक और चैप्टर को कवर करेंगे जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम लोग पहले देखेंगे बालकों के विकास से संबंधित प्रश्नों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे उससे रिलेटेड सिद्धांतों को। ठीक है, बालकों के विकास से संबंधित को उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कवर करेंगे क्या उससे संबंधित सिद्धांतों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और पहले नंबर के प्रश्न पर आते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को इमेज देखने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, यूपी टेट की जो क्लासेस होती हैं वो स्टार्ट हो चुकी है हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी टेट की जो क्लासेस होती हैं वो आप लोगों की मॉर्निंग में आप लोगों का बाल विकास होता है 11 बजे, 1 बजे रात को मैथ्स होता है, 2:30 बजे आप लोगों का हिंदी होता है, संस्कृत 4 बजे होता है, ईवीएस रात को 7:30 बजे होता है। ये क्लासेस है आपकी यूपी टेट के लिए। तो जिस किसी को भी यूपी टेट की तैयारी करनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो और कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। और एक चीज हम बता दें आपको, हमारे चैनल पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी असिस्टेंट टीचर की पोस्ट पर अभी तैनात है, मतलब सभी लोग सुपर टेट क्वालिफाई और जॉब लिए हुए हैं। ऐसा नहीं ओनली सुपर टेट क्वालिफाई नहीं है, बट सभी लोगों ने जॉब भी ले रखी है, तो आप लोगों को सटीक चीज ही बताई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के प्रश्न पर। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, बाल विकास में हम क्या स्टडी करते हैं। देखिएगा, बाल विकास की अगर हम बात करें तो बाल विकास में क्या होता है, प्रक्रिया पर बल देते हैं, वातावरण एवं अनुभवों की भूमिका पर बल देते हैं, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपयुक्त सभी। देखिएगा, बाल विकास में हम मेन तौर पर क्या करते हैं, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बाल विकास बोलते हैं। सेकंड नंबर के प्रश्न पर आते हैं, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है, रूप, दर, अनुक्रम, या फिर ये सभी। तो समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है बताएंगे आप लोग। देखिए, समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में जो शामिल है ये दर है। ठीक है, दर, तो ये बात याद रखेंगे। देखिएगा, अगर विकासशील परिप्रेक्ष्य में बात करें तो बाल मनोविज्ञान ये कहते हैं कि समय के साथ साथ दर परिवर्तन सबसे अधिक चिंता का विषय होता है, क्योंकि अगर बालक विकास दर में समान मतलब कि समय अनुसार वृद्धि नहीं हुई तो उसका क्या हो जाएगा, विकास प्रभावित हो जाएगा। तो यहां पर साफ सीधी बात है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ दर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर बी। तीसरे पर आते हैं, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, देखिएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी है, मानसिक योग्यता है, थकान भी है, तो कुल मिलाकर के ये सभी है। और ये प्रश्न आप लोगों का यूपी टेट की परीक्षा 2014 में पूछा गया था, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। देखिएगा, आपको बाल विकास पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि पहले आपको ये करना चाहिए कि जितने भी टॉपिक बेसिस प्रश्न है उन सबको याद कर लो। ठीक है, जो हम आप लोगों को देखिए, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं 3 से 4 किताबों के कॉम्बिनेशन पर आधारित हैं। ठीक, मान हमारे पास 4-5 किताबें हैं जिसमें हम लोगों ने छांटा कि किस टॉपिक में कौन से क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, तो वो हमने निकाले हुए हैं और एक टॉपिक में हमने इसको समावेश कर दिया है। इसके जस्ट बाद में लगभग 25 दिनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद में हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों पर आएंगे। ठीक, तो आप लोग कुछ भी नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे आंसर बताएंगे, इनमें से कौन सी विशेषता भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है। देखिए, भावनात्मक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा भावना शारीरिक विकास से जुड़ी हुई नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिल्कुल, भावना का शरीर के विकास से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न पर। एक बच्चा ईर्ष्या प्रदर्शन करता है, ईर्ष्या कब प्रदर्शन करता है, 6 महीने की आयु में, 12 महीने में, या फिर 24 महीने में, या फिर 18 महीने में। देखोगे, अगर एक छोटा बच्चा है तो सीधी बात है वो ईर्ष्या को प्रदर्शित करेगा, तो वो ईर्ष्या को प्रदर्शित कब करेगा पता है आप लोगों को, ईर्ष्या को प्रभावित प्रदर्शित कब करेगा। देखो, सिंपल सी बात है, वो ईर्ष्या को प्रभावित कब करेगा, काफी अच्छा प्रश्न है। तो क्या लगता है, यहाँ पे आप बता सकते हो तो बताइएगा, मैं तो इसको बताऊंगा ही। तो छोटा बच्चा ईर्ष्या को प्रभावित मतलब ईर्ष्या को प्रदर्शित कब करेगा,
बोलिए जल्दी, ईर्ष्या को प्रदर्शित कब करेगा? ये करेगा आप लोगों का 18 महीने की आयु में, ठीक है। जब बच्चा 1.5 साल का हो जाए तब वो ईर्ष्या को समझेगा, ईर्ष्या क्या होती है। अब आते हैं हम लोग 6वें नंबर के प्रश्न पर, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? अगर बच्चों को नैतिक बनाना है, नैतिक बातें बतानी है, तो सबसे अच्छा क्या, ये यूके टेस्ट में पूछा गया था 2011 में। देखो, उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ाओगे, या फिर शिक्षक का आदर्श रूप से व्यवहार करना, या फिर उनका मूल शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या फिर उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना, तो क्या लगता है? देखो सीधी बात है, अगर बच्चों में वो वाली शिक्षा डालनी है आप लोगों को, कौन सी, ये है नैतिकता का पाठ पढ़ाना, तो उनको क्या करना होगा, आप लोगों को शिक्षक के आदर्श के रूप में व्यवहार करना, शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना जरूरी है, ऑप्शन नंबर बी। सातवें पे आते हैं, 6 वर्ष से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता क्या है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, या फिर सीखने की, मैं स्वायत्ता की, या फिर क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, या फिर उपयुक्त सभी, तो क्या लगता है यहाँ पे क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता क्या होती है? कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता हो, क्रिया आधारित अंतः क्रियात्मक अधिगम की, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर पर, चरित्र का विकास क्या होता है? चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है बताएंगे आप लोग, इच्छा शक्ति के द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा, नैतिकता द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी के द्वारा। तो चरित्र का विकास कैसे होता है, ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। तो मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को कि देखिए, यूपी टेट में और सुपर टेट में अच्छा स्कोर करने का एक ही तरीका कि आप लोगों को जितने ज्यादा प्रीवियस क्वेश्चन हो उतने लगा लेने हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है कि चरित्र का विकास कैसे होता है? देखिए चरित्र का विकास जो है वो इन तमाम तरीके से होता है, जैसे इच्छा शक्ति पर भी डिपेंड करता है, बर्ताव एवं व्यवहार पर होता है, और नैतिकता के द्वारा भी होता है। 9वें नंबर पे आते हैं, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे बताएंगे आप लोग, अच्छा प्रश्न है, बोलिएगा क्या लगता है। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे? देखोगे विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे, अच्छा प्रश्न है, तो क्या लगता है आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे बताइए, क्या होगा, मतलब कौन थे प्रतिपादक इसके, अच्छा प्रश्न है। देखिए ये थे प्रतिपादक कौन थे, हैविंग घस, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का वी हो जाएगा, इनका पूरा नाम आगे रॉबर्ट और ROVERTV है, तो इसको भी याद ही रखिएगा। 10वें नंबर पे आते हैं, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए अध्ययन का, बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा संहिता का, या फिर अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान के। देखोगे शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बाल मनोविज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना बाल मनोविज्ञान के कुछ नहीं होता। बट इसके अलावा यहाँ पे जो लोग दे रहे हैं गलत है, अभी मैं सही आंसर की बात करूँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अध्यापन विषय का भी होना चाहिए और बाल मनोविज्ञान का भी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। जो लोग ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, जो अभी जुड़ रहे हैं आंसर दो फटाफट, बस शाम को हम लोग बातें कर ही लेते हैं। 11 नंबर पे आते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों की समझाने की, समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की, या फिर उपयुक्त में सभी की। यह भी आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया नवंबर। तो देखो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को इन तमाम चीजों की जानकारी होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों का क्या है, बाल मनोविज्ञान हो गया, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का भी है। 12वें नंबर पे आते हैं, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है बताएंगे आप लोग। देखोगे बाल विकास की परिभाषा का जो अध्ययन क्षेत्र है क्या है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 13वें पर आते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित, मतलब इन्होंने कहा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये हमने जीएस में किया हुआ और आपके यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित मतलब वही जीवित रहेगा जो कि फिट बैठेगा, तो ये किसने कहा, ये डार्विन की थ्योरी है, ठीक है, थ्योरी ऑफ डार्विन क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट,
ये डार्विन के द्वारा कही गई बात है, ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। 14वें पर आते हैं, ये भी यूपी टेट का प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कहां से कहां तक है। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं हम, या फिर वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, या फिर उपयुक्त में सभी। देखिए बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र है ये क्या है, ये उपयुक्त सभी है। इसमें हम लोग बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं, वातावरण का, बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करते हैं, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी करते हैं। 15वें नंबर पे आते हैं, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है, तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, विकासीय विधि, या फिर सांख्यिकी विधि। तो क्या लगता है बताएंगे आप लोग जल्दी से आंसर। यह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विकासीय विधि, ठीक। तो जो लोग सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है। 16वें पर हम आते हैं, लिखा हुआ है किसी बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन, ये हमने अभी देखा था, क्या था ये आपकी सांख्यिकी विधि है ना, ठीक है। नहीं नहीं यही अलग प्रश्न है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे विकासीय विधि हो जाएगा, विकासीय विधि अभी हमने जस्ट किया था, बट वैसा ही है, बट यहाँ पे ऑप्शन अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही। 17वें पर आते हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, या फिर कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है बताएंगे आप। देखो भाई, बाल मनोविज्ञान के आधार पर सर्वोत्तम कथन की अगर हम बात करें तो सीधी बात यह है, हर एक बच्चा अलग होता है। सही बात है, हर एक बच्चे की पढ़ने की क्षमता अलग होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हर एक बच्चा जो है वो आपका अलग होता है, आपका मतलब आप जो स्कूल में जाओगे वो वाला बच्चा। आते हैं 18वें नंबर के प्रश्न पर, लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या फिर यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आखिरकार टीचर को क्यों होना चाहिए, देखो ये होना इसलिए चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। ये आपका यूपी टेट 2011 में पूछा गया था। 19वें नंबर पे आते हैं, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है, ये फरवरी 2015 का प्रश्न है। तो बाल मनोविज्ञान के केंद्र में कौन होता है, अच्छा शिक्षक, बालक, विद्यालय, पे शिक्षण प्रक्रिया। तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु होता है आपका बालक, ऑप्शन नंबर बी, देने वालों सही हो। 20वें पे आते हैं, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया था। सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हमने छांटे हुए जो बहुत बार पूछे गए अलग अलग परीक्षाओं में। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या, देखिए बाल मनोविज्ञान के अगर हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम गर्भ अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। कहां से कहां तक, गर्भ अवस्थाओं से लेकर के विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। आते हैं हम लोग 21वें नंबर के प्रश्न पर, लिखा है कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, बालक का, अध्यापक का, प्रशासक का, या फिर अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान होता है बालक का, बच्चे का होता है, ऑप्शन नंबर ए। 22वें पे आते हैं, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है, प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी, या फिर रेटिंग स्किल। तो क्या लगता है, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि क्या है, ये कौन है देखेंगे अगर हम इसकी बात करें तो। अच्छा प्रश्न है यह, आप लोग केस स्टडी, ठीक है, बालक की व्यक्तिगत अध्ययन अगर करें तो केस स्टडी होता है, ठीक है, तो याद कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23वें पर हम आते हैं, लिखा कि निरीक्षण विधि में किया जाता है, निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है, अपना अध्ययन किया जाता है, अपने व्यवहार का अध्ययन करते हैं, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, या फिर व्यवहार विश्लेषण कहलाता है। ये देखोगे अगर हम बात करें तो क्या है निरीक्षण विधि, ठीक है, तो निरीक्षण विधि में क्या करते हैं ये पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, निरीक्षण विधि में आखिरकार क्या करते हैं, आपको अगर पता है तो जल्दी से आप बता सकते हैं। निरीक्षण विधि में दूसरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जो लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं बिल्कुल सही है बेटे, जुड़ते जाओ, एक बार शेयर भी कर, देखो
आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन टॉपिक बाहर ढूंढ रहे हैं, तो अब तो आपको थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप लोग जो है वो शेयर करें क्लास को। अगले पे आते हैं, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दशा दिशा होती है, शरीर से पैर तक, शरीर के व्यवहार के मध्य से मध्य की ओर, या फिर शरीर के पैर तथा शरीर के मध्य के बाहर की ओर, या फिर सिर पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य से, या फिर पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। तो बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कहां से कहां तक होती बताएंगे आप लोग। देखो ये जो होती है दिशा, ये होती है सिर से पैर की ओर होती है, फिर शरीर के मध्य से बाहर की ओर, ठीक है। तो जो लोग ये दे रहे थे बी वाला सही है। अब आते हैं हम लोग 25वें नंबर पर, मस्ता मस्त का दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, चेतना का है, विकास का है, संशोधन का है, फिर विवृद्धि का है। तो क्या लगता है आपको, यह आप लोगों का विकास का, किसका विकास, ऑप्शन नंबर बी। 26वें पे आते हैं, शरीर के केंद्र केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगियाओं की ओर का विकास क्या दर्शाता है, शरीर के केंद्र के भाग से बाहर की ओर या फिर अंगियों की ओर विकास क्या दर्शाता है, विकेंद्री विकरीकरण विकास के सिद्धांत को, विकेंद्रीकरण विकास के सिद्धांत को, मध्य बाहर विकास के सिद्धांत को, या फिर सोपानीय विकास के सिद्धांत को, क्या लगता है। ये आप लोगों का कहलाता है मध्य बाहरी विकास के सिद्धांत को, ऑप्शन नंबर जगह सी। अब आते हैं 25वें नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट एवं सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, निरर्थता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, या फिर एकीकरण का सिद्धांत। तो क्या लगता है विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकास का सिद्धांत क्या नहीं है ये पूछा गया है ना, विकास का सिद्धांत नहीं है। तो क्या लगता है आप लोगों का विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए विकास का सिद्धांत नहीं है, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि निरंतरता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, ये सारे के सारे विकास के सिद्धांत हैं। 26वें पे आते हैं, व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति क्या कैसी थी, सर्वेक्षण थी, आत्मनिरीक्षण थी, अवलोकन थी, या फिर केस स्टडी। तो व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति कैसी थी, व्यवहारवादी अध्ययन किस तरीके से करते थे, देखिए अवलोकन विधि के माध्यम से, कैसे, अवलोकन विधि के माध्यम से करते थे, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, अवलोकन विधि के माध्यम से करते थे, ठीक। प्रमुख व्यवहारवादी कौन कौन से, जिसमें आपका स्किनर का नाम आता है, किसका, स्किनर का नाम होता आता है, आपका थॉर्नडाइक का नाम आता है, पावलॉक का नाम आता है, ये सारे कौन है, व्यवहारवादी हैं। 27वें पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंध नहीं है, और ये प्रश्न आपके यूपी टेट के 2016 की परीक्षा में पूछा गया था। बताना है कि कौन निम्न में से विकास और वृद्धि के सिद्धांत से संबंध नहीं है, बताएंगे आप लोग। देखिए विकास और वृद्धि के से संबंध नहीं है, क्या लगता है ये पूछा गया, तो बताइए आप क्या होगा। क्या लगता है, ऐसे बैठे मत रहा करो, तो क्या होगा यहां पे, जल्दी बताओ, सोचो। यह आप लोगों का वर्गीकरण का सिद्धांत नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, बी ऑप्शन देने वाला सही हो। 28वें पे आते हैं, विकास की, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, निरंतर, अपूर्ण, या फिर आप लोगों का पूर्ण, विकास किस तरीके की प्रक्रिया है बताएंगे आप लोग। देखिए विकास जो है आप लोग निरंतर प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी। 29 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, विकास का कौन सा सिद्धांत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधी नहीं है, या फिर सभी की विकास दर समान नहीं होती, या फिर विकास हमेशा रेखीय होता है। तो क्या लगता है आप लोगों को बताएंगे आप, विकास का सिद्धांत है, ठीक है, विकास का सिद्धांत ये पूछा गया, तो विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा है। देखो
ये हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का एक सिद्धांत है, इसके अलावा कोई भी सही नहीं है। तीसवें पर आते हैं, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे की भिन्न होने होती है किंतु यह एक डैश नमूने को अनुगमन करती है। एड़ी से छोटी, अव्यवस्थित या फिर आप लोगों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित दूरी या फिर अप्रत्यक्ष होती है। देखो विकास भले ही सबका अलग अलग होता हो बट एक बात कॉमन होती है, क्रमबद्ध होता है तथा व्यवस्थित होता है। ठीक है, 31वें पे आते हैं, लिखा हुआ है कि सिफ्लोकैडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, या फिर पांव से सिर तक, या फिर दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंग तक। तो क्या लगता है सिफ्लोकैडल प्रवृत्ति के अंतर्गत क्या बताया गया है? देखो इसमें बताया गया है विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है, पहले सिर होता है फिर पैर होता है, सीधी बात है। अब देखो बच्चा जब पैदा होता है ऐसा तो नहीं पैदा होते ही दौड़ने लगता है, बट पैदा होते ही वो आवाज को सुनता जरूर है, दिमाग लगाता है, तो पहले क्या होता है, पहले सिर का विकास होता है। 32वें पे आते हैं, लिखा हुआ कि घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सर उठाने में सक्षम होता है, ये किस संचलन के कारण होता है? ये आप लोगों का जो है वो सेफलोकैडल सिद्धांत के अंतर्गत आता है। 33वें पे आते हैं, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह डैश के सिद्धांत का कारण होता है। निरंतरता का सिद्धांत एकीकरण व्यक्त या फिर एक समान पैटर्न का। तो क्या लगता है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसमें बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखिए ये जो है एक समान पैटर्न, ऐसा नहीं है कोई बच्चा पैदा हुआ वो पैदा होते ही भागने लगा भाग 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 भाग, ठीक है, और ऐसा है कोई बच्चा जो हाथ से बॉलिंग करने, ऐसा नहीं होता ना बेटा। हर एक बच्चे का क्या होता है, विकास मेल खाता है उसकी उम्र से। तो ये बात याद है, उम्र से मेल खाता है, ये एक समान पैटर्न होता है। ये आते हैं हम लोग 36वें नंबर पर, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, इनमें से मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती या फिर अनुक्रमिकता या फिर निरंतरता। तो क्या लगता है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है बताएंगे आप लोग? मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, देखिएगा आप लोग, प्रतिवर्ती का कोई सिद्धांत होता ही नहीं, ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। 37वें नंबर पे आते हैं, व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में या फिर विकास की दर। तो व्यक्तिक शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं, तो किसमें भिन्न होते हैं यही तो पूछा गया है। ये आप लोगों का विकास की दर, ठीक है, विकास की दर भिन्न होती है। 39(8) पे आते हैं, लिखा हुआ है यूपी टेट 2020 में पूछा गया था, ये लिखा है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? अंतःक्रिया का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या फिर निरंतरता का सिद्धांत। देखो विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है और ये किस से संबंधित है ये पूछा गया है ना, तो ये किस संबंध से, यही तो आपको बताना है। तो बताइए क्या लगता है, क्या लगता है आपको? ये आप लोगों का निरंतरता के सिद्धांत से शामिल है, निरंतरता के सिद्धांत। 39 पे आते हैं, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, क्या लगता है? मध्या मस्ता मस्तिका धोमुखी नियम, निकट से दूर का नियम, ए बी या फिर डी वाला, मतलब एक भी नहीं। तो देखो विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है, क्या करता है? ये आप लोगों का ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40वें नंबर पे आते हैं, ये हम कर चुके हैं, गलत नहीं होना चाहिए। सिफेलोकैडल प्रवृत्ति के अनुसार विकास का अग्रसर कैसे होता है? सिर से पैर की ओर, पास से दूर के अंग में, या फिर पैरों पैर से सिर की ओर, या फिर दूर से पास के अंग में, क्या लगता है? ये होता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 41वें पे आते हैं, रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित होती है, हृदय से पहले ही विकसित हो जाती है, यह नियम प्रवृत्ति के संचालन का कारण होता है।
ये किसके का, ये होता है आप लोगों का क्या होता है प्रॉक्सी मडिस्टल, प्रॉक्सी मडिस्टल की वजह से होता है, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे ठीक है। ये आपका वी ऑप्शन नहीं होगा। अब आते हैं 42वें नंबर पर, लिखा है कि बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद में किए जाते हैं, या फिर सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों के साथ होते हैं, या फिर सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं, या फिर सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। तो बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ये पूछा गया। देखो होता यह है कि विशिष्ट कार्य सामान्य कार्य के बाद किए जाते हैं ठीक है। तो देखिए ये हमने सेकंड एक चैप्टर जिसमें हमने अलग अलग किताबों से प्रश्नों का समावेश किया हुआ है ठीक है, जो हमने आपको करा दिया ठीक। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 2 आज कंप्लीट हो गया है, कल चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को देखने को मिलेगा, और बहुत ही जल्द हम इसका प्लेलिस्ट क्रिएट कर देंगे ताकि आप लोगों को क्लासेस को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अगर आप रिपीटेड में क्लास देख रहे हो, बाद में देखते हो, तो आप लोगों को क्या होगा कि आसानी रहेगी ठीक है। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा अभी थोड़ी देर में ठीक है, थोड़ी देर में मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए अब हम मिलते हैं 1 बजे वाली क्लास में, जो कि आपकी मैथ्स की क्लास होगी, उसके बाद में आपकी हिंदी क्लास होगी, उसके बाद में संस्कृत की क्लास होगी ठीक है। ये आपका टाइम टेबल है, आप लोग देख लीजिए, आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।